ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे वास्तु के नायाब टोटके। यदि आप कहीं प्लॉट वगैरह बना रहे हैं तो देखिए, प्लॉट के पूर्व उत्तर में हमेशा ज़्यादा जगह छोड़ना चाहिए। आप किसी भी दिशा का घर या कमर्शियल भवन बना रहे हैं तो उसके पूर्व उत्तर मतलब ईशान कोण में आप ज़्यादा जगह छोड़िए और ढलान को उत्तर पूर्व की ओर रखें। जो ढलान है दक्षिण पश्चिम ऐसा हमेशा भारी होना चाहिए। किसी भी दिशा के मकान में दक्षिण पश्चिम यह हिस्सा भारी रखें। बंद या बीमार यूनिट कभी नहीं खरीदें। मकान या फैक्ट्री खरीदते समय ध्यान दें कि वह व्यक्ति किस कारण से घर बेच रहा है। अगर वो इसे बदलकर बड़े घर में जा रहा है या बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है तो ही उस भवन को खरीदे। अगर वो ऋणग्रस्त है या निसंतान है या उजाड़ करके भवन बेचकर जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति का भवन खरीदना कितना ही सस्ता क्यों न मिलता हो कभी नहीं खरीदे। पुराना सामान जो होता कभी इस्तेमाल नहीं करे। कभी भी नया भवन बनाते समय पुराने सामान का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि ईंट, दरवाजे, खिड़की वगैरह वगैरह। अपने मुख्य द्वार गेट के बाहर गंदा पानी नहीं खड़ा होने दें। अभी फैक्ट्री का जो गोदाम है वहां पे तैयार माल कहाँ रखना चाहिए? तैयार माल या फिर रॉ मटेरियल दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए और कबाड़ी आदि भी यहीं रखना चाहिए। अभी आता है लेबर क्वार्टर का, चाहे घर का हो या फिर फैक्ट्री का हो। उत्तर पश्चिम में ठीक है, उत्तर पश्चिम भूलकर भी उन्हें दक्षिण पश्चिम में ना बिठाएं, नहीं तो लेबर या नौकर आपके ऊपर हावी होने लगेंगे। अब जैसे बहुत लोग अंडरग्राउंड पैसेज बनाते हैं, अंडरग्राउंड कमरे बनाते हैं, तो फैक्ट्री या घर में कभी भी पूरा का पूरा अंडरग्राउंड हॉल कभी नहीं बनाएं। हमेशा एक तिहाई ही बनाएं और वो भी उत्तर पूर्व दिशा की ओर। भूतल का प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व की ओर से हो। भूतल भवन ध्यान, पूजा, हवन आदि कार्यों के लिए सही होता है। भूतल को सफेद रंग से रंगे वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। दक्षिण पश्चिम में बना हुआ भूतल फैक्ट्री माल को डंप करेगा, गलत ब्रांड बनेंगे और गृह स्वामी भारी मुसीबतों में फंसेगा। तो ऐसी जगह पर दो नंबर के काम ज्यादा होते हैं। अब आते हैं मालिक के कमरे के ऊपर। हम अभी बिजनेस की बात कर रहे हैं। हमेशा दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए जो मालिक का कमरा होता है और इसे पूरा ढककर रखना चाहिए, यानी केबिन नुमा बना लेना चाहिए। और एक बात ध्यान रहे कि मालिक की चेयर या कुर्सी जो भी है वो बीम के नीचे नहीं आनी चाहिए। अभी आते हैं दान और कर्जा देते समय मुंह किधर रहना चाहिए। दान देते समय हमेशा मुंह पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। कर्ज या उधार पैसा देते समय भी जो मुंह है वो पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।